अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद के इस खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। शहर हैदराबाद की मशहूर मारूफ वली हजरत सैयदना यूसुफैन शरीफैन इनकी दरगाह के अगबी हिस्से में मौजूद मज़ारात अब चंद पैसे कमाने के लिए मिसमार की जा रही है। इतना ही नहीं बल्कि इन मज़ारात पर पुख्ता तामीर भी हो रही है। यहीं मार्च के महीने में आग लग गई थी और कई दुकानें जल गई थी। अब यहां इस आग का बहाना लेते हुए दुकानें पुख्ता तामीर की जा रही हैं। तो क्या नाज़रीन ये सही है? क्या वक्फ बोर्ड को अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए इन्हें रोकना चाहिए? वक्फ बोर्ड चेयरमैन जनाब मोहम्मद सलीम बार बार अवकाफी जायदादों के तहफ्फुज के झंडे गाड़ते फिरते हैं। हमारे केसीआर साहब भी जो है कलेक्टर्स को पूरे इंस्ट्रक्शन दिए कि जो है वक्फ लैंड है जहाँ पर भी है कोई भी इंक्रोचमेंट तो उसको जो है ना इंक्रोचमेंट टेम्पररी कर सकता, उन्हें परमानेंट कोई भी वक्फ लैंड पे कब्जा नहीं कर सकता। वक्फ प्रॉपर्टी अल्लाह की अमानत है और गवर्नमेंट की भी नज़र है, इंटेलिजेंस की नज़र है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नज़र है, सब हमारे केसीआर साहब की भी नज़र वक्फ प्रॉपर्टियों पे जो है ना प्रोटेक्ट करना बोल के पूरे पुलिस ऑफिसर्स को कलेक्टर्स को सबको इंस्ट्रक्शन दिए हुए। तो ये है आपकी तहफ्फुज की मिसाल। इस वीडियो में देखें नाज़रीन और अब आप लोग फैसला कीजिए उन लोगों के लिए, उन मरहूमीन के लिए जो अपनी खबरों में महफूज नहीं है। आखिर क्यों वक्फ बोर्ड इन पर सख्ती से कार्रवाई नहीं कर रहा है? नाज़रीन हमारी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि हम उन लाहत में मौजूद मरहूमीन की सलामती की दुआ करें और वक्फ बोर्ड को इन पर एक्शन लेने पर जोर दें। नाज़रीन न्यूज़ 18 हैदराबाद चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह के कहते हैं मैं इब्राहिम, अल्लाह हाफिज़।